नमस्कार, मोहिनी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। तरोई की सब्ज़ी देखिए किस तरह से छीलते हैं। मैं इस तरह से छील रही हूँ, छीलने वाले से भी छील रही हूँ और चाकू से भी छील लूँगी। देखिए इस तरह से चाकू से छील लूँगी। आप चाहे इस तरह चाकू से छील लें। देखिए इस तरह से चाहे छीलने वाले से छील लें। देखिए इस तरह से दोनों ही प्रकार से आप छील सकते हैं। तरोई मेरी छिल चुकी हैं, अब मैं तरोई को काट लेती हूँ। देखो मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं, अब मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। इस तरह से भी आप काट सकते हैं। या फिर इसके चार टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे इस तरह से। सारे तुरई को मैं काट लूँगी। ताज़ी तुरई बहुत अच्छी बनती हैं। तुरई को देख कर लेना चाहिए, ताज़ी हूँ। सब्जी मेरी कट चुकी है। गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, थोड़ा तेल और डालूंगी। गर्मियों के समय में तरोई की सब्जी आती है। तरोई एक हरी सब्जी है जो हल्की होती है और हरी सब्जी होती है, हेल्दी होती है, टेस्टी बनती है, इसलिए हरी सब्जी को खाना चाहिए। तुरई को मैं रसेदार बनाऊंगी, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ, रोटी के साथ। इसमें मैंने जीरा हींग को डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, इसको मैं चला देती हूँ। एक प्याज, तीन चार कलियां लहसुन की मैंने काट ली थी, उसको मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से। धीमे धीमे प्याज पक रहा है, ज़्यादा तेज आंच में प्याज जल जाएगा। प्याज पक चुका है मेरा, ये देखिए प्याज पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। आधी चम्मच से कम मैं हल्दी डालूंगी, दो चम्मच धनिया डालूंगी, आधी चम्मच मिर्चा डालूंगी और चौथाई चम्मच गरम मसाला।
डालूंगी। मसाले हरी सब्जी में कम पड़ते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। ज़्यादा मसालों में केवल मसालों का ही स्वाद रहता है, और मैंने टमाटर को भी डाल लिया इसलिए कि मसाले जले नहीं। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला टमाटर पक चुका है, ये देखिए। अब मैं इसमें डालूंगी सब्जी, तुरई। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी काट लिए थे, दो हरी मिर्चें, पहले मैंने थोड़ी सब्जी को डाल दिया, इसके बाद दूसरी बार डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। अब मैं इसको ढक दूंगी। अब मैं ढक्कन खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए कितना पानी निकल आया है तरोई से। मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। देखिए कितना पानी हो गया है। अभी सब्जी पकी नहीं है, अभी इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। इसको अच्छे से चला के मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। इसको मैं ढक देती हूँ। पांच मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देख लेती हूँ सब्जी को। सब्जी मेरी पक गई है। मैं रसेदार सब्जी बनाऊंगी। रसेदार सब्जी भी अच्छी लगती है। इसको मैं कटोरे में निकाल लेती हूँ। देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, देखिए खुशबू आ रही है। अगर मेरी सब्जी अच्छी बनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।